कुरुक्षेत्र के विद्युत सदन में सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने आज जोरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने कार्यकारी अभियंता के रवैये पर गहरा रोष जताया। यूनियन नेताओं ने कहा कि अड़ियर रवैया छोड़कर उनकी मांगों पर विचार किया जाए। कुरुक्षेत्र के विद्युत सदन में आज सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने विभाग के कार्यकारी अभियंता के रवैये पर रोष जताते हुए जोरदार प्रदर्शन करते हुए यूनियन नेताओं ने कहा कि जनाब अपने अड़ियर रवैये को छोड़ मांगों पर विचार करें, अन्यथा सारा मामला आला अधिकारियों के संज्ञान में लाने से भी गुरेज नहीं किया जाएगा। कर्मचारी नेता जयसिंह ने बताया कि उनके संगठन के अनेक लोगों के पुराने एसीपी रिवीजन में दिक्कत आ रही है। इसके अलावा मेडिकल बिल लंबित है। कार्यकारी अभियंता इस पर अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं। उपायुक्त, विधायक व निगम प्रबंधन को कई बार पत्र लिखा गया है और उपायुक्त के निर्देश भी कार्यकारी अभियंता रद्दी की टोकरी में डालकर अपना तानाशाहीपूर्ण रवैया अपना रहे हैं। जिला प्रधान मंगत राम ने भी कहा कि दुर्व्यवहार किसी भी हालत में सहन नहीं होगा। जो आज का धरना प्रदर्शन एक्शन ऑफिस में दिया गया, ये एक्शन साहब के अड़ियल रवैये की वजह से हुआ। ये यूनियन को, हमारे पदाधिकारियों को, यूनियन के जो हैं उनको मान सम्मान नहीं देते, और हमारे बार बार अनुरोध करने पर भी मीटिंग का समय इन्होंने नहीं दिया, इसलिए आज का ये धरना प्रदर्शन दिया गया। आगे अगर एक्शन का यही रवैया रहा फिर भी, तो हम पंचकुला हेड ऑफिस में भी धरना दे सकते हैं, और जो हमारे यूनियन के पदाधिकारी हैं सेंट्रल काउंसिल के, उनका जो आदेश आएगा हम उसके हिसाब से काम करेंगे। हम सभी साथी जो आज यहाँ धरने पर बैठे हैं, अपने प्रधान, जिला प्रधान श्री मंगत राम मेहता जी के साथ हैं, धन्यवाद। दूसरे हमारे रिवीजन 56-57 आदमियों की है, वो नहीं कर रहे, मतलब हर बात के लिए टर्म लोड करते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, तो और करते कुछ नहीं है सारा दिन। आगे की क्या रणनीति रही? हमारी रणनीति आगे की है कि इसके बाद हमने 17 तारीख को हमारे केंद्रीय परिषद की निगम मैनेजमेंट से MD UHP से मीटिंग है, वहाँ इसका पूरा चिट्ठा इनके रखेंगे। अगर वहाँ भी हमारा कोई मसला हल नहीं होया तो इसका प्रोग्राम हम केंद्रीय परिषद से मीट करके और भी जो चाहे धरने का है चाहे घेराव का है वो इनका करेंगे। और आज भी हम प्रेस के माध्यम से भी और DC साहब को भी और यहाँ की जो लोकल मैनेजमेंट है उससे भी फिर दोबारा से अनुरोध करेंगे, उनको ज्ञापन भी देंगे कि जो ये अशांति भंग कर रहे हैं इसके प्रकार वही करने का कष्ट करें। हमारे कुरुक्षेत्र यूनिट के प्रधान सचिव, उनकी कार्यकारिणी ने कार्यकारी अभियंता व अधीक्षक अभियंता कुरुक्षेत्र से बातचीत करने का, बातचीत के माध्यम से रिटायरी साथियों की डिमांड के बारे में, चाहे वो पुराने ACB की बात है, चाहे रिवीजन की बात है, या और दूसरी रोज़मर्रा की दिक्कतें हैं, चाहे मेडिकल जो हर यहाँ दो दो तीन तीन महीने हर एक साथी का पड़ा रहता है, उसके बारे में बातचीत की। लेकिन कार्यकारी अभियंता ने दुर्व्यवहार किया हमारे साथियों के साथ, जिसके कारण हमारे रिटायरी साथियों में जो है ना काफ़ी रोष है, और इसके बारे में रोष प्रदर्शन का जो तिथि दी थी वो 10-15 दिन पहले हमारे साथियों में रिटर्न रूप में कार्यकारी अभियंता कुरुक्षेत्र और SC कुरुक्षेत्र को, और इसकी प्रति, जबकि शुरू में गर्मियों के सीजन में पैडी सीजन होता है तो एक्शन महोदय कहने लगे कि 2-3 महीने मेरे पास मत आना, जब पैडी सीजन ख़त्म होता मैं आपकी सारी डिमांड सारी मान लूँगा और ठीक करवा दूँगा। तो हम अगस्त में पैडी सीजन ख़त्म हुआ, हम जैसे भी 5 पदाधिकारी इसको मिलेंगे, कहते हैं हमारे पास कोई समय नहीं है, जाइए जाइए। इसने हमारे पास 60 साल से लेके 82 जो साल का हमारा पदाधिकारी है चेयरमैन रोशन लाल बुद्धि राजा, वो 82 साल के हैं, उनके साथ भी इन्होंने मिसबिहेव किया, हमारे भी किया। हमने एक्शन को अंदर चैम्बर में कह के आए थे, जब तक तो हमारे को रिटर्न में नहीं बुलाएगा हम आपके पास मीटिंग में नहीं आए। अगस्त के बाद इसने कोई नहीं बुलाया, हम SC को मिले, MD को भी हमने लेटर लिखा, DC कुरुक्षेत्र को हमने 2 लेटर लिखे हैं, दोनों बारी ही DC ने ADC की ड्यूटी लगाई है, 2 लेटर यहाँ आए, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। SC ने भी इसको भेजे हैं, वो कोई कार्रवाई नहीं की। 9 तारीख को होली से अगले दिन एक डिप्टी सुप्रिटेंडेंट है, कहा जी आपकी लिस्ट दो, डिमांड क्या है? अरे मैंने कहा भाई तेरे पास ये लिस्ट है हमारी, 30 बंदों की आज तक ACP सेंक्शन नहीं हुई, हमारे मेडिकल में तो कुछ सुधार हुआ थोड़ा बहुत, बाकी वो भी वैसे पड़े हैं, 30 बंदे तो ऐसे हैं जिनका कि 2006 से भी पेंशन रिवाइज नहीं हुई, 16 तो अलग बात है,
इवन हमारा एक बंदा फोरमैन रिटायर हुआ है उसको लाइनमैन दिखा रखा है, और अब जो उसका पीपीओ रिवाइज आएगा उसमें और भी एलम कर दिया, जबकि उसके फोरमैन के ऑर्डर भी हमने चीफ से हमने करवाए हैं, चौहान साहब के हमने रिक्वेस्ट करके वहाँ से कराए हैं। इवन जब यहाँ सर्विस बुक पड़ी थी वो भी